स्टैंडर्ड सिक्स इंग्लिश, स्टैंडर्ड सिक्स इंग्लिश, सब्जेक्ट इंग्लिश, द वर्ल्ड ऑफ कलर। टुडे वी आर डिस्कस अबाउट द वर्ल्ड ऑफ कलर। माय डियर फ्रेंड, यू नो वी when we buy anything, first we choose color. Every person likes to different color. I like red, you like yellow, another like blue, so many color. The God ब्लेस विथ हस, भगवान अपना ऊपर आशीर्वाद आपे। वी लीव इन कलरफुल वर्ल्ड, एवरी ह्यूमन बींग लाइक कलर। वी ईट समथिंग, वेन वी ईट समथिंग फर्स्ट वी सी इट्स कलर एंड स्मेल। कलर इज important to every human being, every people. First of all, you go to toy shop, you select any toy, but you have not satisfaction when your selected color, जब आपको आपका color का toy नहीं मिलता तब तक आप toy select नहीं करते। So all the colors are important, but some colors are most important for human being. In our lesson, एक्टिविटी नंबर वन, द क्वालिंग कलर एक्टिविटी वन, क्वालिंग कलर क्यू यू ए डबल आर ई एल आई आर ई डबल एल आई एन, क्वालिंग कलर। एक्टिविटी वन, क्वालिंग कलर पार्ट वन। इन अवर यूनिट वन, एक्टिविटी वन, सम कलर क्वालिंग ईच अदर, कलर एक दूसरे के साथ झगड़ा कर रहे, झगड़ रहे। क्यों? रेड सेड आई एम इंपॉर्टेंट, येलो सेड आई एम इंपॉर्टेंट, ब्लू से आई एम ऑल्सो इंपॉर्टेंट। इन अवर लेसन लॉन्ग अगो, द कलर्स इन द रेनबो स्टार्टेड क्वारल, ईच कलर थॉट इट वॉज मोस्ट इंपॉर्टेंट कलर ऑफ ऑल। ईच कलर it's unimportant, but we do not understand. So all the colors are calling each other. Human also quarrel neighbor, any other person. So in this unit, names are example, कलर्स आर एग्जाम्पल फॉर ह्यूमेन, मनुष्य के लिए कलर का एक एग्जाम्पल दिया है। बट दिस इज द स्टोरी फॉर ह्यूमेन बींग, हर आदमी दूसरे आदमी से झगड़ रहा है। सो एवरी पर्सन हैज इंपॉर्टेंट, बट ही डू नॉट अंडरस्टैंड इट्स
ऑन स्ट्रेंथ पावर एंड हिज क्रेडिट. सो इच कलर क्लेम इट्स ऑन इंपॉर्टेंट इन अवर यूनिट. वन एक्टिविटी वन क्वारलिंग कलर सम कलर्स सेड वायलेट क्लेम इट वॉज कलर ऑफ ह्यूमिनिटी एंड विजडम देयरफॉर इट वॉज मोस्ट इंपॉर्टेंट अमंग अस. ग्रीन सेड आई एम द कलर ऑफ नेचर दैट इज वाई आई एम द बेस्ट. येलो सेड आई ब्रिंग वॉर्म टू वर्ल्ड. द सन द मून एंड द स्टार आर ऑल बेस्ट. येलो ऑरेंज सेड आई एम कलर ऑफ करेज. रेड सेड आई एम साइन ऑफ स्ट्रेंथ एंड ऑथोरिटी. ऑल द कलर्स हैव इट्स ओन इंपॉर्टेंस इन अवर यूनिट. वन एक्टिविटी वन ऑल कलर्स आर इट्स ओन इंपॉर्टेंट. वायोलेट नंबर वन. वायोलेट सेड हिज फॉर विजडम. सेकंड इंडिगो. इंडिगो सेड आई एम फॉर पीस. नंबर थर्ड येलो. येलो सेड आई एम फॉर ब्रॉम्स. नंबर फोर ऑरेंज सेड आई एम फॉर करेज. नंबर फाइव रेड ऑथोरिटी. ऑल द कलर्स क्वारलिंग ईच अदर. वायोलेट कलर स्टैंड फॉर विजडम. पीस एंड प्रेयर आर इंडिकेटेड बाय इंडिगो. पीस एंड प्रेयर. द कलर ऑफ वॉटर इज ग्रीन. वॉटर इज ब्लू. ब्लू कलर सेड वॉटर कलर. ऑल द कलर क्वारल विथ ईच अदर. एट दिस टाइम द रेन सेड टू ऑल द कलर डू नॉट क्वारल विथ ईच अदर. तब बारिश आया. बारिश ने बोला आप क्यों झगड़ रहे हो. आप सब साथ में मिल जाओ. बारिश के बाद आकाश में रेनबो बनता है. रेनबो मेघ धनुष. रेनबो आज सब लोग जानते हैं रेनबो क्या है. रेनबो इज यूनिटी ऑफ कलर. यूनिटी ऑफ कलर. सो मैन ऑल्सो कलेक्ट. द मैन ऑल्सो यूनिटी. संघ शक्ति कले युगे. संघ जब बहुत सारे आदमी इकट्ठे हो जाते हैं तो बहुत बढ़िया काम बन जाता है. इस तरह यूनिट के अंदर सब कलर के बारे में डिस्कस किया है. इन एक्टिविटी टू वेयर डू यू फाइंड मोर देन वन कलर टूगेदर.
Which color do you think is not important at all today? Some color. We do not like, but someone who likes this color. We like red t-shirt, but my friend also do not like red color. It is the importance of each and every color. Activity 2, calling color part 2, all 7 colors. Vigbyor. Vigbyor means violet, indigo, V, I, B, G, Y, O, R. V means violet. I means indigo. B means blue. Green means green. Y means yellow. O means orange. And R means red. Vibgyon. Vib. Gyon. Vibgyor means where fighting proved their importance at that timely. Suddenly there was thunder and lightning. It began rain heavily. Then the colors heard the unraised voice of the rain. It said that they were foolish to fight each one to them of importance. Each one has special purpose. Every color has different purpose. They should help each other stretch across the sky. All the colors stretch in the sky to make rainbow. The rainbow shows that if they work together and help each other, putting aside their differences, they will shine. The colors understand their mistake and happily joining heads. Men also, putting a quarrel aside and their differences, they will all shine. The colors understood at the same way the people understood their mistake, and they will also happily hang. So in this unit we summarize that all the people do not quarrel each other and work together and live happily with together. So we complete activity 2. Today we discuss about some MCQ questions and blank. Violet color stand for humility and blank. Violet color, humility, wisdom. Humility and wisdom. Violet color, wisdom or humility ka purpose hai, stand for. Peace and prayer are indicated by peace and prayer ke liye indigo color hai. The color of water is blue hai. Color of water is blue. Blue claim that the color of blank life. Blue is color of life.
Why? Blue is claimed that it is a color of life. My dear friend, we all of us know that water is important for every human being. We do not live without water. Every person drink water, bath water, and use so many use of water. In every culture developed near the river 2000 years ago, Sindhu Khindni Sanskruti developed near Sindhu River. Uttar Pradesh situated near Ganga. All the civilizations developed near river. Every person, every bird, every living and non-living, matlab living tree, bird, insect, wild animal, domestic animal cannot live without water. So blue claim that blue is claim that color of life. Okay, fifth number, blue claim that the color of life, color of nature is nature color green. Green is green for grass and nature. We live in city, we live in village, but every person likes nature. All of us live in open space, lots of green trees. We wish that we live in nature, river, near green grass. So green color is for nature. Yellow brings khali jagya, blank to the world. Yellow brings blank to world. Brown, yellow. Warmth means usma, prakash, light. We do not live without sun. Sun is necessary for growth and development for trees and human beings. Orange is the color of courage. Orange is courage, sacrifice, the sign of strength. And blank is red, authority, sign of strength and authority. My dear friends, we completed 8 MCQ. We completed match A with B, violet means wisdom and humility, indigo means peace and prayer, yellow means warmth, orange means courage, red means authority and strength, blue means water and life, green means grass and nature.